तो जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी जीडी के रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल कब से स्टार्ट कराया जाएगा, फिजिकल में कितने नंबर वालों को जो है फिजिकल सेंटर पर बुलाया जाएगा। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर छुट्टी पर अपडेट आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं रिजल्ट के बारे में, क्या रिजल्ट इसी मंथ आएगा या नेक्स्ट मंथ आएगा। बहुत सारा भाई के मन में डाउट है तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ। एसएससी जीडी की तरफ से जो 2023 में भर्ती कराई गई थी, जैसे एग्जाम कंप्लीट हुआ था 2023 में, जो है 2 महीने के अंदर ही आप लोग का जो है एसएससी जीडी का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। लेकिन बात की इस बार का, तो आप लोग को पता होगा शुरू से ही कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग का एग्ज़ाम जब कराया गया था एसएससी जीडी का मार्च में, तो आप लोग को पता होगा बहुत सारा भाई का जो है एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ था कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण, जो कि है 10 से 15 दिन लेट एग्ज़ाम कराया गया था, री एग्ज़ाम कराया गया था। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, आंसर की भी थोड़ा सा लेट आप लोग को आया था इस बार। तो आप लोग का जो है रिजल्ट के बारे में बहुत सारा भाई के मन में डाउट है, तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग का इस बार भी 2 महीने के टाइम लगेगा रिजल्ट आने में। तो इसी महीने के लास्ट वीक तक आप लोग का जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आप लोग का 30 तारीख तक वेट कीजिए, आप लोग का जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, भर्ती भी आने वाली है एसएससी जीडी की तरफ से। आप सभी को पता होगा अगस्त महीने में भर्ती भी आने वाली है, तो आप लोग का इस भर्ती का सारा जो है फिजिकल मेडिकल सब कंप्लीट कराने के बाद ही एसएससी जीडी की तरफ से भर्ती निकाली जाती है। करते हैं कि फिजिकल डेट के बारे में, कि आखिर फिजिकल कब से स्टार्ट कराया जाएगा। बहुत सारा भाई के मन में डाउट है तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, पिछली बार 2023 में जब एसएससी जीडी का रिजल्ट जारी किया गया था, उसके जो है 10 से 12 दिन के अंदर फिजिकल के लिए भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था। तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मान के चलिए कि इस मंथ आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा 30 तारीख तक, तो आप लोग का जो है नेक्स्ट मंथ जो है 14 तारीख के अंदर, यानी आप लोग को 14 जून से अंदर आप लोग का फिजिकल के लिए भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि फिजिकल में कितने नंबर वालों को बुलाया जाएगा। बहुत सारा भाई के मन में डाउट है तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, हर स्टेट का अलग अलग कटअप जाता है। बहुत सारा स्टेट का जो है कम भी कटअप जाता है, बहुत सारा स्टेट का जो है हाई कटअप जाता है, और हर कैटेगरी का अलग अलग कटअप जाता है। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग जो है अपना स्टेट का 2023 का कटअप उठा के देख लीजिएगा, अपना कैटेगरी का उठा के देख लीजिएगा कितना कटअप गया था पिछली बार 2023 में। उससे लगभग आप लोग का 5 से 6 नंबर अधिक कटअप जाने वाला है फिजिकल के लिए। जैसे कि बिहार उत्तर प्रदेश का लगभग आप लोग का फिजिकल के लिए 120+ ही कटअप जाने वाला है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जैसे फिजिकल स्टार्ट कराया जाएगा, आप लोग को फिजिकल सेंटर से लाइव वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग को और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं।